So now in today lecture we will start elimination reaction E1 and E2. Okay, E1 and E2. So first we see E1 reaction mechanism. Elimination one. Yani E1 mechanism. तो हम एक सबट्रेट लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं. हमने लिया यहाँ पर हमने हैलोजन लगा दिया Cl, और यहाँ पर CH3 और CH3. जब हम इलिमिनेशन लेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे एल्कोहलिक KOH बेस लेते हैं, और यहाँ हम हीट करते हैं, यानी सबट्रेट और रिएजेंट को हम पहचानने लगेंगे. देखो, अगर यहीं पर ये रिएक्शन अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पर Cl होता, CH3 होता, और यहाँ पर अगर हम लिखते एक्वस KOH, यानी वाटर होता और हीट होता, तो इस दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस आता. इसका जो प्रोडक्ट बनता वो एल्काइल हैलाइड से एल्किन बन जाता, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पर OH लग जाएगा. यानी ये जो होगा वो E1 फॉलो होगा और ये SN1 फॉलो होगा. बस रिएजेंट देख के हम पहचान रहे हैं कि रिएजेंट का फंक्शन क्या है. उसी के वजह से एक रिएक्शन जो है वो इलिमिनेशन को जा रहा है और एक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन को जा रहा है. अगर सब्स्टिट्यूशन के अंदर अल्कोहलिक KOH और हीटिंग है तो हम इलिमिनेशन को जाएंगे. इलिमिनेट करना मतलब इस बॉन्ड को हटाना है और आपको डबल बॉन्ड बनाना है, यानी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज नोन एज इलिमिनेशन. अब यहां पर Cl हट गया और उसके जगह पे OH लग गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है, ये SN1 को गया. देखो सब्सट्रेट वही है, रिएजेंट में बस थोड़ा सा चेंज हुआ है. यहां एल्कोहलिक KOH लिया गया है और यहां एक्वस KOH लिया गया है. बस इसी से जो मैकेनिज्म है उसका फॉर्मेशन प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है. यहाँ एल्काइल हैलाइड से इस रिएजेंट के वजह से एल्किन बनता है, जबकि ये एल्काइल हैलाइड एक्वस KOH के प्रेजेंस में यहाँ 3° अल्कोहल बनाएगा. तो एल्काइल हैलाइड से एल्किन बनाने का तरीका और एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का तरीका, तो ये SN1 के द्वारा जाएगा और ये E1 के द्वारा जाएगा. इसको राइट डाउन कर लो. तो हम सॉरी SN1 SN2 हमारा हो गया E1. तो मैकेनिज्म देख के पहचानना है कि सब्सट्रेट देख के, रिएजेंट देख के पहचानना है कि हमें SN1 को जाना है कि E1 को जाना है. तो दिस वन इज इलिमिनेशन रिएक्शन. अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा? स्टेप वन में क्या होगा, ये CH3 जब ये इसको अप्रोच करेगा तो ये बॉन्ड CH3 जो यहाँ क्लोरीन है ये अपना बॉन्ड धीरे धीरे यहाँ से तोड़ने लगेगा. तोड़ने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकेटाइन में, यानी E1 मैकेनिज्म के इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है. इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा. अब स्टेप टू में ये जो कार्बोकेटाइन है अब ध्यान देना, SN1 में हमारे लिए स्टेप टू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो जल्दी अटैक कर लेता था, लेकिन E1 में ये भी स्टेप अपने आप में इंपॉर्टेंट है. अब ये क्या होगा, यहां पर लिया जाता है बेस, ये है बेस. अब बेस लेने का यूज क्या है, तो ये जो बेस है इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, यहां से निकालता है,
ये यहां से निकालेगा। तो अब यहां से जब हाइड्रोजन को निकालेगा तो हाइड्रोजन एस प्लस बन के निकलेगा और यहां माइनस छोड़ के जाएगा, यानी कि मैं अगर यहां पर लिखूं सी एच प्लस और सी एस थ्री और मान के चलता हूं मैं यहां पर दो होगा कि यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो क्या रिलीज हो जाएगा यहां पे माइनस, क्योंकि एच प्लस सिस्टम के बाहर जाना, एच प्लस को सिस्टम से बाहर जाएगा तो माइनस छोड़ के जाएगा। इस एच प्लस को निकालने का काम कौन करेगा, बेस, क्योंकि बेस एच प्लस को क्या करता है एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन लेके आएगा, क्या क्वेश्चन लेके आएगा कि मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं कि हाइड्रोजन यहां से हटाऊं कि हाइड्रोजन यहां से हटाऊं। अब यहां पर तीनों सिमेट्रिक है तो कहीं से भी हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां असिमेट्रिक होगा वहां पर ये बात जीओसी में एंट्री मारेगा कि हम किस हाइड्रोजन को हटाएं। तो हटाने के बाद आप डबल बॉन्ड लगा लो और डबल बॉन्ड लगा के अल्फाइड चेक कर लो किसमें अल्फाइड ज्यादा है, मतलब हाइपर कंजुगेशन आप चेक कर लो। तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को अभी नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर मैं इस हाइड्रोजन को हटा रहा हूं। अब ये हाइड्रोजन हट गया, अब इस दोनों में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि यहां पर सिमेट्रिक है। तो इस बात का हम डिस्कशन यहां नहीं करेंगे कि मैं किस हाइड्रोजन को हटाऊं, लेकिन इस बात का डिस्कशन जरूर होगा कि हमें किस हाइड्रोजन को हटाना होगा। तो ये इवन जो मैकेनिज्म है ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है, तो इवन मैकेनिज्म हमें दो स्टेप में रिएक्शन हुआ, स्टेप वन और स्टेप टू में। तो दिस वन इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, क्योंकि कार्बोकेटाइन का बनना बहुत धीरे धीरे होगा, दैट मीन दिस वन इज आरडीएस, दिस वन इज आरडीएस। तो हम लिखेंगे इवन मैकेनिज्म के बारे में, हम क्या क्या लिखेंगे, तो इवन मैकेनिज्म में, इवन में इंटरमीडिएट में क्या बनता है, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन लिखते चलना, कार्बोकेटाइन फॉर्म इन इंटरमीडिएट, इन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन विल फॉर्म इन इंटरमीडिएट। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं और यहां से हम इसकी इवन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम सोच सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि रीअरेंजमेंट विल पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन विल पॉसिबल रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका, इवन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, जैसे SN1 में था वैसा ही चल रहा है सब कुछ, जैसा ये SN1 में था वैसा ही सब कुछ चल रहा है। यहां पर SN1 में भी हम रेट ऑफ रिएक्शन सोच रहे थे, यहां भी रेट ऑफ रिएक्शन वैसा ही सोचेंगे, जिसका स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा इस रिएक्शन करने का। ये मत सोचो ना कि स्टेबल चीज रिएक्शन कैसे कर लेगा, यहां से यहां आने में उसका पाथ जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जो स्टेबल बनेगा वो जल्दी से यहां से यहां आएगा, अब रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। दिस वन इज ए फास्ट रिएक्शन, फास्ट है ये, यानी यहां से यहां सफर तय करना किस सबट्रेट के लिए आसान है तो उसको चेक करना है, तो कार्बोकेटाइन का हमें स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। ये सब कुछ SN1 के जैसा जा रहा है। फोर्थ, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, तो यहां केवल सबट्रेट लिखेंगे हम, यहां पर रिएजेंट का मान के चलेंगे कि रिएजेंट जो है वो, उसका इसमें कोई रोल अभी तक नहीं है, केवल यहां बॉन्ड टूटा है इसलिए इसका ऑर्डर वन हो जाएगा, यानी इसीलिए इसका इवन, ऑर्डर वन के वजह से इवन लिखा गया है, और ये यूनिमोलिकुलर हो जाएगा, यानी इसका मोलिकुलरिटी वन माना जाएगा, ये यूनिमोलिकुलर हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर हो जाएगा। सिक्स पॉइंट, इसमें ऑलवेज बेस लिया जाता है। अब बेस जब लिया जाता है तो बेस क्यों लिया जाता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए बेस लिया जाता है।
बेस इज यूज्ड, बेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन, यानी इस हाइड्रोजन को हटाने के लिए, ताकि तभी तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इस हाइड्रोजन को हटाने के लिए हमें बेस को लिया जाता है। अब ये E1 है तो इसमें वीक बेस भी चलता है, इसमें वीक बेस या माइल्ड बेस भी चलता है, वीक बेस या माइल्ड बेस दोनों चलेगा, वीक बेस और माइल्ड बेस भी चलेगा, वीक बेस और माइल्ड बेस भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बाय द वे कार्बोकेटाइन एक जैसा स्टेबल है, कार्बोकेटाइन एक जैसा अगर स्टेबल है तो हम वहां पर लिविंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। इफ कार्बोकेटाइन हैज सेम स्टेबिलिटी देन रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइडेड बाय लिविंग ग्रुप डिसाइड करेगा, यानी कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर यहां फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन लगा हुआ है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। अगर हम ये बोल दें कि 3 degree, 2 degree, 1 degree कौन ज्यादा रिएक्शन देगा, तो 3 degree, 2 degree और 1 degree, क्यों? क्योंकि 3 degree में कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम E1 में बात करें कौन किसका स्पीड ज्यादा होगा, मतलब एक नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि 3 degree then 2 degree then 1 degree, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप का। हम SN1 में ज्यादा हम सेकेंड स्टेप के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन यहां हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप में। अब मुझे यहां पर हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहां तो सिमेट्रिक है, हम किसी भी हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब असिमेट्रिक होगा तो किस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे वही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो वहां आप कैसे चेक करोगे, आप डबल बॉन्ड बनाओगे और डबल बॉन्ड के रेफरेंस में अल्फाएं चेक करोगे, यानी हाइपर कंजुगेशन चेक करोगे या स्टेबिलिटी चेक करोगे। तो ज्यादा केसेज में हाइपर कंजुगेशन ही चेक किया जाता है, या रेजोनेंस भी होता है तो रेजोनेंस भी चेक कर लिया जाता है। तो जैसा चेक करना होगा, यानी मेजर प्रोडक्ट अगर चेक करना है, मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हम स्टेबिलिटी के बेस पे करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा लिख दूं एग्जांपल कि मोर अल्फा एच, यानी कि हर बार अल्फा एच नहीं चेक करेंगे, मैं बस नॉर्मली लिख दे रहा हूं कि मोर अल्फा एच मोर हाइपर कंजुगेशन मोर रिजोनेंस। और जब ऐसे हम लिखते हैं तो अब एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा, तो मोर रिजोनेंस तो उसको हम बोलते हैं सेटजफ प्रोडक्ट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेटजफ प्रोडक्ट। और जहां पर माइनर प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। तो जहां पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा वहां पर हम बोलेंगे सेटजफ प्रोडक्ट। कहीं जेटजफ लिखा है, कहीं सेटजफ लिखता है, एस भी लिखता है कहीं कहीं, सेटजफ प्रोडक्ट, कहीं कहीं एस भी लिखता है, कहीं कहीं जेड भी लिखता है, तो हम उसको बोलेंगे सेटजफ प्रोडक्ट। और जहां माइनर देगा वो हम बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। तो मैं इधर लिख रहा हूं, अब जहां माइनर देगा उधर मैं लिखूंगा हॉफमैन प्रोडक्ट, जहां माइनर देगा हम वहां बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। तो पॉइंट नंबर 11 में हम लिखेंगे माइनर प्रोडक्ट अगर बनेगा, अगर माइनर प्रोडक्ट बना तो हम बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट।
तो स्टेप टू इसमें भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेट्जब ऑफ हॉफमैन केवल E1 E2 में होगा, बाकी में नहीं होगा, ठीक है। तो सेट्जब प्रोडक्ट केवल E1 E2 में होगा। तो क्लियर हो गया 11 पॉइंट। चलो यही इसमें 11 पॉइंट हमें कवर करना था। तो स्टार्टिंग से एक बार फिर से समझ लो, हम पढ़ रहे थे क्या इलिमिनेशन रिएक्शन, हम E1 पढ़ रहे थे। तो यहां से समझो एक बार फिर से, इलिमिनेशन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन इलिमिनेशन डबल बॉन्ड विल फॉर्म। जब जब सिस्टम में आपको डबल बॉन्ड बनेगा तब तब सोच लेना कि इलिमिनेशन हुआ है। और जस्ट इसके उल्टा एडिशन में डबल बॉन्ड टूटता है और इसमें डबल बॉन्ड बनता है। तो इलिमिनेशन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इलिमिनेशन होता है तो यहां पर जो इलिमिनेशन होगा वो इलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहां पर पढ़ रहे थे स्टेप वन और स्टेप टू में। स्टेप वन में यहां पर जो सबट्रेट है उसके ऊपर रिएजेंट, जो रिएजेंट होगा अल्कोहलिक KOH और हीटिंग होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम से बाहर निकलेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, जैसे SN1 में होता था कार्बोकेटाइन फॉर्म। अब ये कार्बोकेटाइन जब फॉर्म होगा तो हम इसका रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये जो कार्बोकेटाइन बना इसके बेसिस पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन E1 के द्वारा किसका रिएक्शन फास्ट होगा। तो यानी हम कार्बोकेटाइन बनने से स्पीड के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और यहां पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो केवल सबट्रेट लिखेंगे। तो इन स्टेप वन कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, ओके। नाउ इन सेकेंड पॉइंट में जो बेस होता है वो बेस उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, या तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या तो इसको करेगा या तो इसको करेगा। जब हाइड्रोजन सिस्टम छोड़ के बाहर जाएगा तो वहां माइनस क्रिएट होगा। जब माइनस क्रिएट होगा तो प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर जियो से एंट्री मारेगा, कैसे, अब जहां मन करेगा वहां वाला हाइड्रोजन नहीं निकाल देंगे, यहां तो सब एक जैसा है, इसलिए हमें जहां से मन कर रहा था वहां से हम हाइड्रोजन को निकाल रहे थे। बट अगर अनसिमेट्रिक होगा तो हम हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे जहां से इस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। बात रहा कि हम प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड से आप अल्फा एच चेक करना, यानी यहां से हाइपर कंजुगेशन चेक करना है। मोस्टली केस में हम यही चेक करते हैं, या ऐसा देखना कि डबल बॉन्ड हम वहां लगाएं जहां से दो डबल बॉन्ड रिजोनेंस में हो जाए। तो हम अभी क्वेश्चन देंगे तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमें वहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है जहां से अल्फा एच का फॉर्मेशन ज्यादा हो। तो हम मेजर और माइनर पर हम बात करेंगे अभी। तो ये दो स्टेप में हमारा रिएक्शन हो गया, ये स्लो स्टेप होगा और ये फास्ट होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का बनना इतना आसान नहीं है, इसलिए आरडीएस होगा और ये फास्ट होगा। तो इलिमिनेशन में इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं हम, और सबट्रेट का स्टेबिलिटी ही क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा। रेट ऑफ रिएक्शन सबट्रेट के पावर ऑर्डर में 1 लिखेंगे, यानी इसका ऑर्डर 1 होगा, यूनिमोलिकुलर होगा, ऑर्डर इसका 1 होगा, इसलिए E1 नाम दिया गया। यानी 1 देने के पीछे पर्पस हमारा ऑर्डर है। इसमें बेस यूज किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन को क्या कर ले, वो एब्स्ट्रैक्ट कर ले। वीक बेस भी चलता है और माइल्ड भी चलता है। कार्बोकेटाइन अगर सेम स्टेबल है तो लिविंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है।
नॉर्मली अगर हम बात करें 3 degree 2 degree 1 degree तो 3 degree का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए स्पीड ज्यादा होगा इसका। मेजर प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम अब इक्वेशन करवा रहे हैं तब हम समझेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन ज्यादा बनेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो शेट्जेव रूल के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रूल के अकॉर्डिंग हम जब शिफ्टिंग करेंगे तो इधर से उधर हो जाएगा, तो ये दिस वन इज रूल नॉट ए प्रिंसिपल नहीं है कि हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो शेट्जेव मैं जब प्रोडक्ट बताऊंगा तो बताऊंगा शेट्जेव रूल एक्चुअली में क्या है, हालांकि पहले डिस्कस किया था लेकिन जब बताऊंगा तो जब प्रोडक्ट बनवाऊंगा तब बताऊंगा कि ये शेट्जेव रूल क्या है। और जहां माइनर बनेगा उसको हम हॉफमैन के नाम देंगे। तो एक क्वेश्चन ले भी लेते हैं जहां पर हॉफमैन और शेट्जेव के बारे में थोड़ा सा हम डिसीजन ले ले कि हम कहां से कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, देन वी स्टार्ट। अच्छा एक चीज और, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में भी सोच सकते हैं, यानी सिस और ट्रांस के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर बाई द वे प्रोडक्ट में ऐसा बना, ये डबल बॉन्ड ऐसा बना तो, और ऑप्शन में सिस भी दिया है और ऑप्शन में ट्रांस भी दिया है, तो तुम किसको चुनोगे? ऑप्शन में सिस भी दिया है और ट्रांस भी दिया है तो आप ऑप्शन में कैसे किसको चुनोगे, सिस को चुनोगे या ट्रांस को चुनोगे, किसको चुनोगे आप? हम ट्रांस को चुनेंगे। उसका आंसर क्या है? क्योंकि ट्रांस मोर स्टेबल है, हमें प्रोडक्ट उसको चुनना है जिसमें स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा है, तो हम ट्रांस को चुनेंगे। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूं ताकि हमें शेट्जेव रूल और ये हॉफमैन समझ में आ जाए कि शेट्जेव रूल और हॉफमैन हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो दिस वन इज इलिमिनेशन जहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें रिएजेंट क्या देगा, अल्कोहलिक KOH। और भी रिएजेंट होते हैं, हम आगे और पढ़ेंगे, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड भी होता है, तो आगे हम और भी पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हमने यहां पर CH3 लिया, CH3 लिया यहां पर H और यहां पर CH2 और यहां पर CH3 लिया, यहां पर लगा हुआ है Cl और यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर हमने वही लिख दिया अल्कोहलिक KOH और यहां हमने हीटिंग कर दिया। अब मुझे बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए हम ट्रांस को लेंगे, सिस से मुक्ता, सिस से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रांस होगा। इन जनरल ट्रांस इज स्टेबल देन सिस और ओनली इन द केस इन दिस, हाँ इस केस में जैसा ये आएगा, तो अगर ऑप्शन देगा ऐसा तब, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा VK जसवाल में दिया, उसमें दिया हुआ है MH1 में कि सिस लेंगे कि ट्रांस लेंगे, तो उस केस में हम ट्रांस लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सिस से ज्यादा स्टेबल ट्रांस होता है। अब इस केस में आप बनाओ और ये आपको E1 के थ्रू जाना है, E1 के थ्रू जाना है, इस केस में प्रोडक्ट बनाओ आप, आंसर आ भी गया। तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्टेप वन में CH3 और यहां H है और यहां C है और यहां H है, मैं हटा दूं इसको और CH2 है और CH3 है। अब यहां पर ये कार्बोकैटायन बन गया, इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बन गया। अब मुझे बताओ कि क्या कार्बोकैटायन का हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। तो इसमें हमारा आंसर ये होगा कि हम रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ओके, तो रीअरेंजमेंट मैं लेफ्ट साइड करूं या राइट साइड करूं, रीअरेंजमेंट अगर मैं लेफ्ट साइड करूं या राइट साइड करूं तो हमारा आंसर होगा लेफ्ट साइड करेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्यों, यहां 2 degree है, अगर कार्बोकैटायन यहां आता है तो 2 degree ही बनेगा, लेकिन कार्बोकैटायन यहां अगर जाएगा तो 3 degree बन जाएगा, तो इसमें हम लिखेंगे 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट।
अब ये कार्बोकेटाइन यहां चला जाएगा, हाइड्रोजन यहां चला आएगा, तो हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा अब जाके 3 डिग्री बन गया है। हालांकि प्रोडक्ट वही बनेगा, लेकिन अगर तुम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी नहीं लिखोगे तो मार्क्स और डिडक्ट हो जाएगा। हालांकि कंपटीशन में तो, लेकिन अगर बोर्ड वगैरह में आएगा अगर नहीं लिखोगे शिफ्टिंग तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अब ये नहीं सोचना है कि सर यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट बना दो, हालांकि मैं वही बनाने वाला हूं। अब मुझे स्टेप नंबर 1 में ये मिल चुका है, यानी कार्बोकेटाइन हमारा मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, जहां स्टेप नंबर 2 में हमें ये सिखाता है कि किस हाइड्रोजन को मैं एब्स्ट्रैक्ट करो। तो आप मुझे बताओगे यहां पर मैं किस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करूंगा, किस हाइड्रोजन को मैं एब्स्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं यहां पर नंबरिंग कर रहा हूं, यहां पर ये 1 है और यहां पर ये 2 है, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम किस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहोगे। हमारा आंसर ऑब्वियस सी बात है 1 को, बराबर है ना। 1 को इसलिए करना चाहेंगे, हम दोनों करके चेक कर लेते हैं, 1 को इसलिए करना चाहेंगे, हालांकि तुम शिफ्टिंग नहीं भी करते ना तो यही डबल 1 बनता, लेकिन स्टेप रिड्यूस करोगे तो मार्क्स भी रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां पर CH3 है और C और CH3 है, मैं इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं पहला बार। तो इसको अगर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर दूंगा, यहां बेस इसको निकाल देगा, तो ये माइनस डेवलप करेगा और प्लस और माइनस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दे देगा यहां पे, और यहां पर CH2 और यहां पर CH3 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहां पर अल्फा एच कितना है, मुझे बताओ अल्फा एच कितना है। तब तक मैं इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अगर मैं इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो सी डबल बॉन्ड H2 और यहां पर CH2 और CH2 और CH3, ठीक है। यहां पर मैं इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाओ बात एक ही है। तो यहां पर अल्फा एच कितना है, तो 3 यहां है, 3 यहां है, 6 और 2 यहां है, 8 अल्फा एच हो गया। यानी जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी हाइपर कंजुगेशन करवाने का। अब यहां पर ये अल्फा एच काउंट करना है, तो यहां पर 3 और यहां पर 2, यानी यहां पर 5 अल्फा एच हो गया। यहां पर 3, इस पे लगा हुआ है 3 और इस पे लगा हुआ है 2, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, क्योंकि इस पे पास अल्फा एच ज्यादा है। तो इसको बोलेंगे ये सेट जब रूल के अकॉर्डिंग हो गया। तो हम लिख के मेजर प्रोडक्ट तब बोल देंगे सेट जब रूल, सेट जब रूल को रटना नहीं है, हम लिख के बोल देंगे कि ये सेट जब रूल के अकॉर्डिंग है और ये हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग है, हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब आपसे सेट जब का डिफिनेशन पूछेगा तो कैसे लिखोगा, देखो यहां ध्यान से, मैं यहीं से डिफिनेशन बना दे रहा हूं। ये कार्बन, ये जो कार्बोकेटाइन है किससे अटैच है, इससे, इससे अटैच होने से हॉफमैन बन रहा है। अगर ये कार्बोकेटाइन हायर डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो, अब ये कार्बन 2 डिग्री है और ये कार्बन 1 डिग्री है, हायर डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो सेटजब बनेगा और लोअर डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो हॉफमैन बनेगा। तो यही डिफिनेशन है सेटजब और हॉफमैन का, लेकिन सेटजब और हॉफमैन रटना नहीं है, हमें बना के तब उसको सोचना है। ये कार्बोकेटाइन इसके साथ अगर डबल बॉन्ड बनाएगा, हायर डिग्री के साथ बनाएगा तो सेटजब बनाएगा और लोअर डिग्री के साथ बनाएगा तो हॉफमैन बनाएगा। तो याद रखना हॉफमैन में लोअर डिग्री का अटैचमेंट होता है और सेटजब में हायर डिग्री का अटैचमेंट होता है, और यही हमारा मेजर होता है और ये हमारा माइनर होगा, ये हमारा माइनर होगा, ये हमारा माइनर होगा। तो दिस वन इज मेजर, तो मेजर और माइनर सेटजब और हॉफमैन में मत चेक करना, मेजर और माइनर हमेशा आप चेक करोगे इस पे, अल्फा एच पे चेक करो या GOC लगा दो, इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। चलो तो हम क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करेंगे, इससे पहले मैं अभी E2 पढ़ा दूं ताकि हमारा E1 E2 दोनों समाप्त हो जाए और तब हम क्वेश्चन SN1 SN2, अभी DP भी भेज दिया हूं मैं SN1 SN2 का, और आज इवनिंग होते होते E1 E2 का ही भेज दूंगा। तो आपको मेनली एल्काइल हैलाइड में यही चारों मैकेनिज्म पढ़ने हैं, तो ये कंप्लीट भी हो जाएगा
तो हेडिंग डाल लो इलिमिनेशन टू, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ई टू मैकेनिज्म, ई टू मैकेनिज्म। तो जैसे SN1 में और SN2 में डिफरेंस था, उसमें भी यही डिफरेंस है। E2 में क्या होगा, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। लिविंग ग्रुप का बाहर जाना, हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट होना और डबल बॉन्ड का बनना, तीनों काम साइमल्टेनियसली होता है। इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम एक यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं और फिर हम आगे समझेंगे कि हम कैसे इस बात को डिसीजन लेंगे कि ये रिएक्शन E2 ही है, E1 क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये E2 ही क्यों है, E1 क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लो, एक रिएक्शन लिखता हूं मैं। चलिए एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, सी एच थ्री सी एच टू सी एल, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, सी टू एच फाइव ओ एन ए, इसको बोलते हैं सोडियम इथो ऑक्साइड, सोडियम इथो ऑक्साइड और सी टू एच फाइव ओ एच। अभी मैं और रिएजेंट दूंगा कि कौन कौन रिएजेंट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब अल्कोहल दिया जाए C2H5OH दे दिया जाए और यहाँ पर बेस दे दिया जाए NaOH, तो ये बेस है और ये एसिड हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये सेपरेट भी देता है और नहीं तो क्या करता है, इस दोनों का एसिड और बेस का रिएक्शन करवा के देता है। ये माइनस है और ये प्लस है, एसिड है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये प्लस और ये माइनस को अटैच कर देता है, C2H5ON देता है और यहां से वाटर बन जाएगा। तो कभी कभी रिएजेंट में सोडियम इथोक्साइड इस फॉर्म में देगा और इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इसको दोबारा भी लिखता है, यानी अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा लेता है। तो कभी कभी लिखेगा पोटेशियम ओ टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल टीबी ऐसे लिखेगा। तो इस चीज को हम आगे भी देखेंगे। तो कुल मिला के या तो अल्कोहल और बेस को अलग अलग लिख के देगा या तो दोनों को सोल्ट बना के दे देता है। तो रिएजेंट देख के हमें पहचानना है, तो हम बाद में भी डिसीजन करेंगे कि E1 और E2 कैसे फॉलो हो। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, यानी प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड ही बनेगा लेकिन मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या होगा इसका, इसका मैकेनिज्म हो जाएगा, इसका मैकेनिज्म स्टेप वन में ही होता है और स्टेप वन में ही समाप्त हो जाता है। अब इसके मैकेनिज्म में CH3, CH2 और यहाँ है Cl और इसके ऊपर अटैक किया C2H5ONa और थोड़ा सा हीटिंग भी होगा और C2H5OH और हीट है। ये रिएजेंट देख के हमें समझ में आया कि ये हमें E2 को जाना है या यहाँ पर इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जहां इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, स्टेबल नहीं बनेगा या स्टेरिक हिंड्रेंस में हम बात करेंगे। तो अब ये काम क्या होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनेगा। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में हाइड्रोजन का बाहर जाना, हाइड्रोजन का बाहर जाना और क्लोरीन को बाहर जाना और एक ही साथ डबल बॉन्ड का बनना, ये तीनों काम साइमल्टेनियसली होगा। ये सिस्टम छोड़ के बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा और उसी समय डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। अब हम फाइनली इसको बना सकते हैं कि ये बाहर गया और ये बाहर गया, ये प्लस और ये माइनस, तो इसे दोनों के बीच में हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब बाकी रहा बात कि E2 मैकेनिज्म में और कैसे कैसे हमें समझ में आएगा क्या क्या होता है इसके अंदर, तो हम उसके बारे में लिखवाएंगे। पहले आप स्टेप वन नोट डाउन कीजिए
उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमें कैसे समझ में आया कि ये E1 को जाना है कि E2 को जाना है, कहाँ कार्बो के टाइम। तो हम इसके प्रॉपर्टीज में अभी बात कर रहे हैं, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना कि E2 में आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करना है, क्लोरीन को हटाना है, उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है और उसी समय ट्रिपल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। ये काम तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 होता है, मतलब इसका भी इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, सब ट्रेड का भी इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ E2, इलिमिनेट हो गया। ये लिख लिए होंगे। तो हम अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन में E2 में हमने क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज देखा। तो मैं यहां पर प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। तो पहला हम प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो E2 में इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, ये काम साइमल्टेनियसली होगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना है तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास इस क्लोरीन को हटाने के बाद, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, अभी तो एक ही कार्बन था, हमारे पास एक ही हाइड्रोजन हटाने का चांस था, दूसरा तो कोई हाइड्रोजन मिल नहीं रहा था, लेकिन हमें जब एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटाने के आएगा तो हम उस हाइड्रोजन को हटाएंगे। अब वहां बाद में नहीं चेक करेंगे कि अल्फा एच ज्यादा है कि, वो E1 में चेक किया करते थे, यहां पर उस हाइड्रोजन को हटाएंगे जहां लोअर डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन क्या है अटैच है, वो मेजर प्रोडक्ट देगा, ध्यान रखने चीज को, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी यहां पर हम उस हाइड्रोजन को हटाएंगे जो लोअर डिग्री होगा। अब एक तरफ मान लो 1 डिग्री है और एक बीच में है कार्बोकेटाइन, ऐसा है कार्बोकेटाइन ऐसा है, और यहां पर जो हाइड्रोजन है ऐसा है, और यहां पर हाइड्रोजन ऐसा है, तो हम अब इस हाइड्रोजन को चुने, इस हाइड्रोजन को चुने, तो हमारा आंसर बोलता है कि हम इस हाइड्रोजन को चुनेंगे, क्योंकि दिस वन इज 1 डिग्री और दिस वन इज 2 डिग्री। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट यही पर लिख दे रहा हूं कि यहां पर आप ऐसा केस में जब आएगा, अब यहां पर यह मत सोच लेना कि सर हम बना के डबल बॉन्ड तब चेक कर लेंगे, नहीं, वहां तो कार्बोकेटाइन बनता था, यहां पर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करोगे वही मेजर देगा, इसको करोगे हटाओगे तो ये माइनर देगा। मैं बता दिया क्यों, ये 2 डिग्री है, यहां स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, यहां पर ये उस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा, यानी ये 1 डिग्री है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहां मोर, यहां पर एक और ग्रुप लग गया, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। इस चीज को विशेष ध्यान में रखना क्योंकि दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। नेक्स्ट, इसमें जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अगर मान लो स्टेरिक हिंड्रेंस सेम रहा तो लिविंग ग्रुप देखा जाएगा। तो अगर हम ऐसे बात करें कि सबस्ट्रेट के ऑर्डर 1 और रिएजेंट यानी बेस, रिएजेंट के तौर पे क्या हमारे लिए बेस है, बेस के पावर 1, इसलिए ऑर्डर 2 हो जाता है, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोला जाता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाता है। प्रोडक्ट में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी चेक करते हैं, GI, इस
ओनली वन स्टेप में होता है, ओनली वन स्टेप में होगा, केवल एक स्टेप में रिएक्शन एंड हो जाता है। एक रिएक्शन अलग से लिख लेना, अगर CH2 है और यहाँ BR है और यहाँ BR है और यहाँ पर जिंक डस्ट दिया जाए, जिंक डस्ट दिया जाए, ठीक है, तो आपको इसमें H2C डबल बॉन्ड CH2 बनाना है, यानी ये दोनों हटा के डबल बॉन्ड बनाना है। इसको बोलते हैं बीटा इलिमिनेशन। ये अल्फा पे है और ये बीटा पे है, तो ये अलग से याद रखना। अदरवाइज कई बार क्या होता है, एल्कीन का भी फॉर्मेशन होता है, तो हम अलग से बात करेंगे आपसे। चलो अब बात रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये कि हमें कैसे समझ में आएगा कि ये E1 को जाएगा कि E2 को जाएगा कि SN1 को जाएगा SN2 को जाएगा। तो हमारे अब रिएजेंट के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता चला जाऊंगा कि किसमें E1 को जाना है, किसमें E2 को जाना है, कहाँ मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कहाँ माइनर प्रोडक्ट बनेगा, SN1 को जाएंगे तो कैसे करेंगे हम, SN2 को जाएंगे तो कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में केवल GI के बारे में सोचना है, ऑप्टिकल के बारे में नहीं सोचना है। ऑप्टिकल के बारे में सोचेंगे तब जब रिंग ओवर आएगा तब। ओके, थैंक्स टू ऑल। तो नेक्स्ट क्लास